या फिर हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करके कुछ सिग्नल्स की साइड देखना चाहिए ऑल्सो अनदर अनाउंसमेंट इंडिपेंडेंस डे सेल कर रहे हैं हम अपने कोर्स पे तो कोर्स इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट सेवन फिफ्टी में अवेलेबल है एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स तो आई विल हाई रिकमेंड अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है आपको बिल्कुल भी नहीं आती है जीरो से सीखना चाहते हो तो यू कैन बाय दिस कोर्स कोर्स के कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ देर अराउंड फिफ्टी टू लेक्चर्स जो आपको बिल्कुल जीरो से लेकर एकदम हीरो बना देंगे टेक्निकल एनालिसिस में जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्ड कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटी खुद से इट इज वन द बेस्ट सेलिंग कोर्सेज इन क्रिप्टो एंड स्टॉक ट्रेडिंग एंड इसको 1000 थाउजेंड रेटिंग में से एवरेज 4.3 पॉइंट थ्री रेटिंग मिली तो इट इज हाईली रेटेड फाइव में से 4.3 पॉइंट थ्री इज अ वेरी गुड रेटिंग तो जाइए ट्राई करिए सीखने को आपको मिलता है अगर आपको अच्छा लगता है जिस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं तो दिस कोर्स इज फॉर यू नाउ गेट बैक टू दीडियो एंड देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है तो एज यूजल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के फोरा के चार्ट की साइड एंड काफी लोगों ने ये पॉइंट आउट कर लिया है मुझे ऑलरेडी तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन हो रही है डबल टॉप फॉर्मेशन कैसे होती है उसके लिए हम क्या देखते हैं कि एक अप ट्रेंड में हम एक एग्जॉस्टिव मूव देखते हैं तो अगर एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिलता है उसके बाद हम एक एग्जॉस्टिव मूव देखते हैं एंड फिर हम यहाँ से नीचे जाते हैं तो एग्जॉस्टिव मूव में हमें डबल टॉप देखने को मिल सकता है ट्रिपल टॉप देखने को मिल सकता है हमें हेड एंड शोल्डर्स देखने को मिल सकता है ठीक तो है तो एग्जॉस्टिव मूव होते हैं ये रिवर्सल का साइन होता है तो यहाँ पे डबल टॉप देखने को मिल रहा है काफ़ी सारे लोगों को लेकिन ठीक है हमें यहाँ पे जल्दीबाजी में नहीं कोई भी डिसीजन लेना चाहिए डबल टॉप के रूल्स हमें याद करने हैं डबल टॉप के रूल्स क्या होते हैं कि हम नेक ब्रेक का वेट करते हैं तो जब तक नेक ब्रेक नहीं होता है हम इसको डबल टॉप नहीं बोल सकते हैं काफी सारे डबल टॉप फेकआउट बन जाते हैं एंड वैसे भी ये अभी फोर आवर्स के टाइम पीरियड में हो रहा है तो फोर आवर्स के टाइम पीरियड के डबल टॉप को मैं वैसे ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ ठीक है तो जब हमें डेली में देखने को मिल जाएगा ऐसा तब हम यहाँ पे ज्यादा बारेड होंगे फिलहाल डेली में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मूव ऊपर गया था एंड कैंडल को फिर से जल्दी से खाली कर दिया गया है ठीक है इसके बाद हमें और क्या चीजें देखने को मिल रही है इसके बाद वीकली क्लोजिंग आने वाली है बिकॉज वीकेंड आ गया है एंड यहाँ पे हमें देखना है कि हमारी वीकली क्लोजिंग क्या इस

रिवर्सल पॉइंट इन ऑलमोस्ट ऑल द बेयर मार्केट्स इससे ज्यादा नीचे बिटकॉइन कभी गया नहीं है एंड हमेशा इसके आसपास से ही रिवर्सल आता है जो कि अभी भी आपको लग रहा होगा कि रिवर्सल यहाँ से आ रहा है अब पक्का तो हम नहीं बोल सकते हैं लेकिन जब तक ये रिवर्सल हमें लग रहा है तब तक हम बाइंग करते रहेंगे एंड ट्रेंड को राइट करते रहेंगे जैसे ही हमें लगेगा की ट्रेंड यहाँ पे वापस से डाउन ट्रेंड की साइड मूव हो रहा है हमें बेयरिस्ट साइंस मिल रहे हैं देन वी विल एक्सिट आप ट्रेंड की बात कर रहे थे तो ट्रेंड्स भी डिस्कस कर लेते हैं डेली में हमें क्या दिख रहा है डेली में हम एक अप ट्रेंड में है जो कि आप इस ट्रेंड वाले इंडिकेटर से भी देख सकते हो जब ग्रीन में होता है मतलब हम अप ट्रेंड में है और अगर आपको खुद से ड्रॉ करना है अगर आपने कोर्स किया है तो यू नो हाउ टू ड्रॉ इट योर तो जिसमें हम अप ट्रेंड भी देख सकते हैं ठीक है तो दिस इज दी अप ट्रेंड दैट इज बिंग फॉर्म्ड हेयर तो हमें एक नया हायर हाई यहाँ पे बना के चलना है ठीक है नया हायर हाई high हमें चाहिए ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए तो ये वाला तो नहीं है यहाँ पे हमें हायर लोज ब्रेक नहीं करने हैं एंड नए हायर हाईज बनाते जाने तो हायर लो हमारा इस टाइम पे ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड डॉलर से नीचे अगर डेली क्लोजिंग होती है तब बनेगा नेक्स्ट बात करते हैं हम इथिरियम की एंड इथीरियम से हमें बहुत जबरदस्त जम देखने को मिला है हमारा परसों का ट्रेड जिसमें हमने इथीरियम बाय किया था एंड उसके बाद हमने कहा

अभी भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करी है तो हमारी पायलट पोजिशन यहाँ पे ली गई थी थ्री हंड्रेड थर्टीर पे हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस एरिया में था थ्री हंड्रेड टेन डॉलर से नीचे तो अभी हम अपने पायलट पोजिशन पे वापस आए हैं एंड सेकंड पोजिशन हमारी थ्री हंड्रेड फोर्टी पे होने वाली है एंड देन टेक द बिग पोजिशन ब्रेकआउट हो होगा जो अभी नहीं हुआ है तो वी विल जस्ट वेट इट आउट फॉर नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटिक की मैटिक में क्या चल रहा है मैटिक हमने कल डिस्कस किया था एंड मैटिक में हमने बोला था कि वीक एंड या रीटेस्ट एंड उसके बाद हम जंप लेंगे तो ब्रेकआउट हुआ लेकिन रीटेस्ट नहीं हुआ ये सीधा ऊपर ही जाता रहा शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में भी, भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट एंट्री का क्या सीन था तो हमने कल इसमें पायलट एंट्री ले ली थी बट हम बड़ी एंट्री नहीं ले पाए तो हम बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाए लेकिन पायलट एंट्री में भी हमारा डिसेंट प्रोफिट है तो रफली फिलहाल हम फाइव पॉइंट वन परसेंट के प्रोफिट में है यहाँ पे तो दैट इज द इम्पोर्टेंस कि आपको क्या करना चाहिए पायलट एंट्री कैसे लेनी चाहिए एंड बड़ी एंट्री कैसे लेनी चाहिए अगर आप लोगों को एक रिफ्रेशर चाहिए तो जब हमें लग रहा होता है ब्रेकआउटने वाला है तो हम एक पायलट एंट्री लेते हैं हम ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का वेट करते हैं एंड रिटेस्ट का जब नीचे जा रहा होता है देन वी टेक अनदर स्मॉल एंट्री ताकि हमारा जो एवरेज प्राइस है वो ठीक ठाक आ जाए एंड अगर यहाँ से वो फेक आउट होता है तो हम एक अच्छा सेल हिट करके अपना लॉस भी मिनिमाइज कर सके नेक्स्ट बात करते हैं फाइव हंड्रेड की तो एस एन ने कल क्या करा एस एनपी फाइव हंड्रेड में हमें देखने को मिलेगा, का खेल तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज हाउ होंड्रेड वर्क आउट एंड अगर हम अपना फ्यूचर्स देखें तो यहाँ पे फ्यूचर्स भी बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल जबरदस्त लग रहे हैं रहा है तो मार्केट इज वेरी स्ट्रॉन्ग अगर हम स्टॉक्स की साइड से देखें नेक्स्ट बात करते हैं सोलाना की तो सोलाना इज वर्किंग आउट ग्रेट कि हमारा प्रीमियम का कॉल था तो यहाँ पे हम अराउंड एट पॉइंट वन सिक्स परसेंट प्रॉफिट फिलहाल है एंड टॉप इसका आउट हुआ है अंडर डे मूविंग एवरेज के आसपास तो एवरीथिंग लुक्स गुड फ्रॉम दैट साइड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कॉइन जिसमें पे एंट्री ली जा सकती है एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा कि आप लोग खुद से एंट्री बनाए मैं आपको एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान देता हूँ एंड आप लोग मुझे एंट्री बता के दिखाओ की कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए एंड कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए तो लिंक का चार्ट मैंने खोला हुआ है चेन लिंक में इज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन एंड यहाँ से हम एक अप ट्रेंड देख रहे हैं एंड आप देख सकते हो कि अगर But cable trend? पे बाय करते हो कि ट्रेंड चेंज हो रहा है लेट मी बाय इट जब तक ट्रेंड एंड नहीं होता है तो दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म तो अभी आप देख रहे हो कि हमने ट्रेंड यहाँ पे राइज किया है तो अगर आपने यहाँ पे इस हायर हाई के ब्रेक होने के बाद से एंट्री ले ली होती तो यू विल बी इन प्रॉफिट फ्रॉम यू नो दिस एरिया अराउंड सेवनटीन पॉइंट केवल आप प्योरली ट्रेंड को जज कर रहे हो कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो हम चलो बाय करते हैं ठीक है ट्रेंड तो यहाँ से ऊपर जा रहा है बट ठीक है तो यहाँ पे सेवन टीन ऑलरेडी ऊपर है एंड ट्रेंड इज स्टिल बींग मेनटेन एंड ट्रेंड काफी टाइम तक चल सकते हैं करेंटली आप लोग मुझे बताओ कि इसका एंट्री कहाँ पे